अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। आप सब लोग बड़े होंगे, टाइट होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आप लोग का होस्ट कुदरत, मैं हूं साहिल अफगान, और वीडियो लेकर आए हम लोग। चाहिए वीडियो है, लगे रहो मुन्ना भाई, ये मुन्ना भाई का सीन है, लगे रहो मुन्ना भाई, जो दूसरा पार्ट है उसका। तो आज करते वीडियो को, इसके से पहले हमारे चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर किया करो। आपने मेरे सोशल चैनल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मालूम हो जाएगा, चेक करो। लगे रहो मुन्ना भाई, जब देखो उसको कॉल कर रहे हैं संजय। अच्छा, हेलो, हां जानवी, हाय मुरली, कहां हो, कॉलेज में? क्लास ले रहा हूँ। ओह तेरी, गेस व्हाट, मैं तुम्हारे कॉलेज में। ओह तेरी, कब आए? कैको प्रिंसिपल से मिलने आई। क्यों? पहले मिलो फिर बताती हूँ। झूठ बोल रहे हो, अपुन आता है लेकिन प्रिंसिपल से नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, तुम कैंटीन में वेट करो, अपुन क्लास खत्म करके 10 मिनट में आता है। ओके, इन्होंने सिर्फ बोला कि मैं प्रिंसिपल, मैं यही बैठी हूँ। हाँ, ये सर्किट इमरजेंसी है, चल। देखो तुम उस प्रिंसिपल का बिल्कुल विश्वास नहीं करने का, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, कभी कभी तो टोटल मेमोरी लॉस है। अब उनके क्लास में आके बोलता है कि तुम कौन हो। प्रिंसिपल इस लड़की का बाप होता है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, बिजी है ना यार ये? तीन महीने में एक बार कॉलेज आते हो, और वो भी उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की। आत्माराम बोले तो वो ही ना जिसका लड़का उसको घर के बाहर छोड़ के गया। बाल की दुकान चल, उसका फोन ट्राई करते रहते हैं, वो है कि उठाता ही नहीं है और कॉल बैक भी नहीं करता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय सर। इनके अपने बंदे हैं। पता है प्रिंसिपल साहब, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वाह क्या बात है, क्या बात है प्रोफेसर, ये तो पूरे सिंह की बात लग रही है। बात लग रही है जी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपको तो प्रिंसिपल होना चाहिए भाई, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को देखा है आपने? ये कोई प्रिंसिपल है? एकदम चिरको उठाए कपड़े, देखा है आपने? धोबी लगता है, धोबी करो, हम सब धोबी हैं इनके सामने। तो दुबे मैडम फट के बुला रहे हैं आपको। थैंक यू, बाय। ये कौन है मैडम फटके? फटके तो तेरे को मैं मारूंगा, चालने की मुर्गी बारने का मसाला, इतनी ओवर एक्टिंग करता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा इनको पता चल रहा है कि ये मालूम है क्या करने का। हां भाई, अच्छा समझ गया। मैंने हरी से भी बात की, कहता है ही कांट कम। आत्मराम जी इज रियली लो, आई रियली वांट टू चीयर हिम अप। लेकिन ये स्टोरी से प्रिंसिपल का क्या कनेक्शन? प्रिंसिपल साहब आत्माराम जी के पुराने दोस्त हैं। मैं उन्हें पार्टी में इनवाइट करने आई, सोचा सब दोस्त मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये प्रिंसिपल है ना, बहुत डिप्रेसिंग आदमी है, 3 times suicide attempt किया है। केरला है। रोटी कम खाता है, नींद की गोली ज्यादा खाता है। पर देख लो, मैं शाम वो रामदार है, चश्मा देख ला। तू काला कुर्ता देख के कंफ्यूज वाला? ए यू, ए यू, ए कहाँ गया? कहाँ गया वो? ए कहाँ गया? कहाँ गया? देखा उसे? पुलिस को बुलाओ। कॉल द पुलिस। पुलिस को बुलाओ। कॉल द पुलिस। ये प्रिंसिपल को देखो, स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आया तो पुलिस को बुलाता है। अरे अभी यहाँ था, अभी अभी भाग के गया वो। ये प्रिंसिपल है भाई, गोल कल की होने का। चल सर क्लास शुरू करें। सर चले, वो उनको जाने का, वो दूसरा क्लास चालू हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का। अपुन आत्माराम जी के लिए एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट लाएगा ना कि दिल खुश हो जाएगा। ए यू, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर। ये फुल मून, अरे तू रियल लगा था क्या? आजा, तुम बर्थडे का तैयारी करो, बाकी अपुन को छोड़। तुमको आत्माराम के फेस पे स्माइल मांगता है ना, समझो डन। ये टैक्सी कहाँ गया? क्या बात, 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 बात
पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस तो हमेशा ही देर से पहुंचती है। तो मुन्ना भाई के सीन से इसमें जो बहुत ही फनी वाला सीन बहुत ही मजेदार होता है कि ये जो इसका जो दोस्त होते हैं ना सारा गुंडा टाइप जो होते हैं वो सारे मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट क्या होता है अकबर एक ये तो झूठ बोलता है, कहता है कि मैं कॉलेज में हूं तो पढ़ता रहता हूं और कॉलेज में आ जाता है तो सारे अपने लोगों को ले आता है सारे और एक्टिंग के लिए के चाहे इसमें ये इसके क्या नाम है लड़की का नाम क्या विद्या बालन मेरे विद्या बालन ये तो अब और लोग ही है अभी तो और लोग ही मतलब अभी भी इसकी मूवीज आ रही है मतलब ये जॉइनिस चली गई इसके तो जो दो पार्ट है एक था मुन्ना भाई एमबीबीएस एक था लगे रहो मुन्ना भाई दोनों संजय बाबू का कमाल के मूवी है इसका तीसरा पार्ट नहीं आ रहा है यार ये बहुत बड़ा हो रहा है संजय दत्त की हर मूवी जो है बहुत ही हिट होती है मतलब वो जो है विलन का रोल भी करता है अच्छा वो हीरो का रोल भी करता है कॉमेडी का भी करता है मतलब हर तरह से वो बिल्कुल परफेक्ट है हमेशा की तरह वो संजय दत्त उससे कुर्सी छीन लेता है वो जमीन कौन उसका वो अपना वो आ जाता है ताका वो चपला वो तप्पड़ मार देता है चपला मार देता है पश्तो में बोल रहा है तप्पड़ मार देता है कहता है कि पता चले सब मिल रही है।